एसएससी एस के एग्जाम में अभी लगभग दो महीने हैं बाकी और टेस्ट बुक आपको दे रहा है सी में सफलता की चाबी सी की डेली क्लासेस की सच चुकी है झांकी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत कराएंगे ताकि एग्जाम में कोई कसर न रह जाए बाकी सुबह साढ़े दस बजे मैं बढ़ाऊंगा आपका सामान्य ज्ञान और लेकर के आऊंगा जीके की क्लास अब ना सताएगा मैथ्स के सवालों का डर क्योंकि क्यों सुबह साढ़े ग्यारह बजे मैथ्स की क्लास लेके आऊंगी मैं रीजनिंग के हर प्रॉब्लम का तोड़ बताऊंगा मैं दोपहर साढ़े बारह बजे अब इंग्लिश में आएंगे पूरे नंबर क्योंकि मैं यानी कि अनन्या सिंह लेकर आ रही हूँ आपके लिए एस एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए, लिए मॉक टेस्ट हर दिन ओनली एट थ्री तो आज ही क्लास अटेंड कीजिए क्योंकि अब वक्त सोचने का नहीं बल्कि लाइव क्लास में आकर के प्रिपरेशन करने का और आगे बढ़ने का है और सरकारी नौकरी के अपने सपने को पूरा करने का है Hi everyone, a very good morning and welcome back to testbook.com once again with me. My name is Ananya Singh, <coughs> your English mentor and so today is 28th of Feb and we are going to do the Hindu session that is a combination of vocabulary, comprehension as well as grammar. So guys, please let me know, am I audible and visible to you all? My audio videos are all clear All right, all right. गुड मॉर्निंग एवरी वन हर हर महादेव चांदनी उज्जवल आई कैन सी माई टेलीग्राम फैमिली स्टूडेंट्स आई कैन स्पॉट माई हियर वेरी गुड चलिए और राइट पीपल सब कुछ एकदम क्लियर है तो जाइए और सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए टू मार्क योर अटेंडेंस प्लस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा विद ऑल योर फ्रेंड्स सो सबके पास ये पहुंच जाए ये सेशन सबके पास पहुंचना चाहिए ठीक है बस मुझे एक सेकेंड का टाइम दीजिए मैं भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दैट लाइव आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए ठीक हम भी पोस्ट कर देते हैं टेलीग्राम पे जिससे कि कैन रीच टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना चलिए जल्दी से शेयर करके आइए फटाफट से पीपल <coughs> right, चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज ये है कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा इस सेशन का सॉल्ड पीडीएफ में जितने भी आपको करवाऊंगी, दिस इज द नेम ऑफ माइ टेलीग्राम फैमिली एट अन्य माम अंडर स्कोर टेक्सट बुक वी आर फैमिली ऑफ ट्वेंटी फाइव के प्लस ठीक है ना तो इसमें आपको भी जुड़ जाना है इफ यू वॉन्ट सोल्व पीडीएफ

इतने दिन है सीजीएल की तैयारी के लिए और सी की अप्रैल पूरा रख लीजिए मई में एस है तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बैच होना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ठीक जैसे इस बैच की जो फी है ओनली और आप मेरा कोड ए ट्वेंटी यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू गेट सम डिस्काउंट इसके चलते आपको डिस्काउंट मिल जाता है गाइस कितने परसेंट का पता है थर्टी का थर्टी सेवन परसेंट का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इसके चलते ठीक आपको सिर्फ मास्टर क्लास देखने के बाद पेमेंट करना है तो मेक श्योर sure कि अगर आप सच में सीरियस हो प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक राइट right डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें क्योंकि ये एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि, कि किस तरीके से किस चीजों को छोड़ना है किन चीजों को ध्यान से पढ़ना है इन ऑर्डर टू गेट यू योर सेल्फ सिलेक्टेड ठीक बाकी ये हमारे हीरोज है क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे रियलाइज किया कि क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें छोड़नी है किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है दैट्स व्हाई दे गॉट सिलेक्टेड ठीक तो अगर आपको भी टेस्ट बुक हीरो बनना है तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन हो तो बट इन अ राइट डायरेक्शन ठीक चलो आज का जो हमारा द हिंदू का पैसेज है आपको पता है वॉर चल रही है उसी को लेकर ही आज पैसेज है टेस्टिंग बोर्ड और इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन इंडिया का क्या स्टैंड रहा है यूक्रेन में यूक्रेन को लेकर है ना टेस्टिंग वोट हुआ था ना रशिया के अगेंस्ट तो इंडिया ने क्या किया वोट ही नहीं किया ठीक तो चलिए देखेंगे पैसेज पैसेज में passage में हम करते हैं एरर डिटेक्शन भी ये पैसेज पैसेज आपका जो बिल्कुल अलग तरीके से हम करते हैं में आपको पहले मैं एरर डिटेक्शन कराती हूँ उसके बाद हम पैसेज को समझते हैं ठीक तो ये चीजें होंगी सेशन के एंड में उससे पहले आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट वो वरी के क्वेश्चंस जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे करवाती हूँ सो so, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग फटाफट से आंसर दो गुड मॉर्निंग एवरीवन शुरू हो जाइए आंसर देना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है राउज आर ओ ई राउज का मतलब क्या होता है स्टिमुलेट मेजमराइज सैक आउट बताओ क्या होता है राउज का मतलब अभयराज आपको ये कभी कभी इशू हो जाता है एक बार सेलेक्ट वाले नंबर पे सेलेक्ट सपोर्ट वाले नंबर पे कॉल करके एक बार पूछ लीजिए अगर आपको इशू है तो मे भी आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही ना कर पा रहे हो मतलब एक्सेस ना कर पा रहे हो ठीक चलिए स्टिमुलेट आर वेरी गुड सुरभि प्रियंका वेरी गुड मैथ जूतेश वेरी गुड कुछ लोगों के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं आंसर कर रहे हो राउस का मतलब होता है सो के जाग जाना सो के जाग जाना राउस कहलाता है स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है किसी चीज में जान डालना जाग उठना बोलते ना जान डाल देना जाग उठना ये चीज होती है स्टिमुलेट मेस्मराइज का मतलब होता है किसी को एकदम तो मंत्रमुग्ध कर देना मेस्मराइज करना हिप्नोटाइज़ का मतलब किसी को अपने वश में कर लेना है ना हिप्नोसिस से किसी को अपने वश में कर लेना और साक आउट का मतलब होता है सोने जाना टू गो टू स्लीप अगर आपसे एंटनिम पूछता तो ये एंटनिम होता पूछा है तो ये है जो हो जाएगा स्टिमुलेट का मतलब जाग उठना जाना जाना ठीक और राउस का मतलब सोकर उठ जाना क्लियर है चलो नेक्स्ट वर्ड है आर ए डबल बी एल ई राबल बताइए सोचकर आंसर दो मुझे सारे लोग आर ए डबल बी एल ई राबल ओके okay. आदिति नाइस स्टेटमेंट बाकी लोगों के स्टेटमेंट क्यों नहीं बन रहे हैं भाई आई कैन सी हैप्पी बर्थडे वर्षा मेनी मेनी द डे चलिए राबल का मतलब क्या होता है मतलब एक भीड़ भाड़ है ना वे में अगर क्राउड होती है भीड़ भाड़ होती है तो उसको हम राबल बोलते हैं जितने काजल पीहू योर आंसर आर राइट वेरी गुड जितने लोगों ने मल्टीट्यूड दिया है बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड मल्टीट्यूड इज द राइट आंसर मल्टीट्यूड का मतलब भी होता है भीड़ भीड़ भाड़ है ना स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है किसी चीज को स्टैब्लिश स्थापित करना नोबिलिटी का मतलब होता है नेकता हाई क्लास होती है और पीरेज का मतलब क्या होता है जो पीयर्स को रैंक दी जाती है वो चीज पीरेज कहलाती है और बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है मल्टीट्यूड इज भीड़ राबल का राबल का मतलब डिसऑर्डर <coughs> वे में जो क्राउड या मॉब होती है सो so ये दोनों सिमिलर हैं यहां पे ऑप्शन नंबर थ्री ठीक क्लियर है चलू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल है आपके सामने वर्ड आर्ड इम्पोर्ट्यून बताइए एमपॉर्ट्यून मॉलिफाई सप्लीकेट पीच राउट आंसर बताओ भाई एंड सेशन को लाइक like भी कर दीजिए यार एक बार जल्दी से जस्ट हिट द लाइक बटन गाइस अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए फिर मुझे नाम बताइए ओके तो इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है किसी से बहुत ही अर्नेस्ट वे में एकदम रिक्वेस्ट करना

आंसर दिया आप लोगों ने बजॉन का मतलब बढ़ना होता है मॉलीफाई का मतलब कम होना होता है बहुत सारे गलत आंसर आए हैं तुक्केबाजी चली है तुक्केबाजी तुक्के करिए ना तुक्केबाजी गलत हुई है सबकी यहां पर ठीक प्रियंका नाइस स्टेटमेंट चलिए नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में आई एम गिविंग यू द लिंक टू माय टेलीग्राम ग्रुप सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएंगी ठीक चलो अगला सवाल है आपके सामने वर्ड दर्थ सेट्यूट स्वामिंग रिप्लीट इंडिजेंट या फिर ऑप्यूलेंट क्या आंसर है स्वामिंग रिप्लीट इंडिजेंट ऑप्यूलेंट आंसर बताओ जल्दी जल्दी से डेस्टिट्यूट का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग होता है सबको पता है है ना जिसके पास पैसे नहीं है जो गरीब है मटीरियल पोजेशन नहीं है वो डेस्टिट्यूट है स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है बहुत अमाउंट में कोई चीज है तो वो चीज स्वार्मिंग है बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा है है, है 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 रुपया ना तो आंटनिम पूछा होता तो ये आंसर होता लेकिन आंटनिम तो पूछा नहीं है रिप्लीट का मतलब क्या होता है सेम होता है ये भी इसका आंटनिम है ठीक ऑप्यूलेंट भी आंटनिम है ऑप्यूलेंट का मतलब होता है बहुत धनी होना और इंडिजेंट का मतलब होता है लैक करना चीजें ना होना किसी के पास गरीब होना ठीक है ना तो ये इसका एक मात्र है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री बाकी के सारे वर्ड्स हैं ठीक ऑल अदर वर्ड्स आर क्लियर स्टेटमेंट बन रहे हैं कुछ ही लोगों के बाकी लोग क्यों नहीं स्टेटमेंट बना रहे हो रहे वेरी गुड आदित्य नाइस स्टेटमेंट प्रियंका दो ही लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पे आदित्य रेस्ट ऑफ द पीपल चलो अगला सवाल देखो द नेक्स्ट वर्ड इज मेटल एम ई टी एल वाला मेटल नहीं है एम ई डबल टी एल ई -E वाला मेटल है पोटेंसी या आंसर क्या होगा और सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हो यार ऐसा कैसे इतनी तो ठंड नहीं है कि आपका हाथ जम गया है मैम लाइक नहीं हो पा रहा है हमारा हाथ जम गया है कैसी बातें करते हो लाइक like भी कर दीजिए सेशन को प्लीज मार्क यूर अटेंडेंस आज वेल गाइस कुमा ऑन कुमा जल्दी से राकेश गलत करवा दिए क्यों देख रहे हो राकेश का जो गलत हो रहा है अब भेड़ चाल चलोगे तो गलत होगा ही पूजा दीक्षित व्हाट आई व्हाट आर यू आस्किंग मैंने क्वेश्चन देखा नहीं आपका प्लीज आस्क गया माय गर्लफ्रेंड इन डेस्टिट्यूट चलो क्वेश्चन देखते हैं मेटल का मतलब होता क्या है स्ट्रेंथ ताकत मेटल कहलाती है एम ई डबल टी एल ई पोटेंसी इज द सेम ताकत होती है पोटेंसी इनफीबलमेंट इज वॉट वेस्टिंग ऑफ माइंड वेस्टिंग ऑफ बॉडी है ना यू कैन से सिंकिंग मतलब बहुत ही कमजोर होना बेसिकली धीरे धीरे दिमाग और बॉडी का छीण होना जिसको हम बोलते हैं इनफीबलमेंट पोटेंसी पता चल गया Purneness क्या होती है कम होना डिक्रीज इन साइज ठीक कोई चीज अगर साइज में कम हो रही है तो दिस इज कॉल्ड और फेल्टी का मतलब क्या होता है कमजोर वीक ये भी वीक ही है एक तरीके से तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज पोटेंसी ताकत ठीक अगले सवाल पे चलने से पहले गाइस जस्ट रिमाइंडर कि आज आखिरी दिन है आपकी सेल का टुडे इज द लास्ट डे फॉर द सेल तो आज टेक्सट बुक पास अगर आपके पास नहीं है तो मौका है आज ले लो क्योंकि कल से आपका टेक्सट बुक पास 399 का वन ईयर का आपको मिलने वाला है लेकिन आज जो आपका है 399 का वो आपको वन ईयर के साथ सिक्स मंथ फ्री दैट इज 18 महीने डेढ़ साल का मिल रहा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गो फॉर इट और ए पास अगर कूपन कोड यूज कर लोगे तो टेन परसेंट का और डिस्काउंट थ्री सिक्सटी में वन पॉइंट फाइव ईयरस का टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा प्लस चांसेस भी हैं आपके महेंद्रा थार जीतने की क्योंकि एक स्टूडेंट जीतने वाला है तो इट्स ऑन यू चलिए अगला सवाल है आपके सामने बताइए आंसर आफ्टर इमरजेंसी वॉज इम्पोज इन आर कंट्री देर वॉज बेड लाम अक्रॉस द कंट्री जरा आंसर बताओ देर वॉज अ बेड लाम बेड लाम का मतलब क्या होता है लेट्स सी चलिए देखें ऑल राइट right. अब स्टेटमेंट्स बन रहे हैं कुछ लोगों के वेरी गुड शाबाश <laughs> nice स्टेटमेंट चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं ध्यान से देखिए बेड लाम का मतलब होता क्या है कंफ्यूजन का सीन एकदम कंफ्यूजन शो शराबा मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेहम्म भैया डायरेक्शन पढ़ लो डायरेक्शन पढ़े बिना नंबर्स फ्री में कटते हैं सब कुछ हारा होगा डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे फ्री में नंबर गवाओगे क्या फायदा है इसका ध्यान से देखो लिखा है ऑपोजिट बेडलाम का मतलब शोर शराबा मेहम इसका सिमिलर है इसका है हमको आंटोनेम बताना है द राइट आंसर इज कामनेस कामनेस का मतलब तो शांति होता है कमोशन का मतलब भी वही है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ठीक मेहम का सेम है पोलाइट का मतलब होता है विनम्र लेकिन कामनेस का मतलब एकदम शांति तो बेस्ट यहाँ पे एंटोनेम क्या है कामनेस ऑप्शन नंबर फोर बताओ समझ में आया ऑप्शन नंबर फोर इज चलिए सेंटेंस मुझे दिख रहे हैं जो जो लोग बना रहे हैं टेंशन मत लीजिए अगला सवाल आपके पास ये रहा कौन सील द वर्ड इज बताइए कंसील क्या लग रहा है कंसील कॉन्फेस डिस्कलोज एक्सपोज या फिर वी आंसर चलिए बताइए राइट आंसर right. बताओ भाई क्या बोल रहा है आपसे कंसील का मतलब क्या होता है छुपाना ठीक कन्फ्रेस का मतलब अपने दिल की बात बोल देना जो आप छुपा रहे थे का का मतलब मतलब कर कर देना Expose का मतलब रिवील कर देना इन तीनों का मतलब है किसी चीज को रिवील करना सप्रेस का मतलब दबाना दबा के आप कोई चीज छुपाते हो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर बताइए समझ में आया Suppress, दबाना छुपाना ठीक क्लियर चलो अगला सवाल है आपके सामने जरा मुझे इसका आंसर बताइए आंसर गाइस जल्दी कोवर्ट बताइए टिश इल्यूमिनेट फ्रेजाइल प्रेक्लूड कोवर्ट व्हाट्स द आंसर एवरीवन ये एनर्जी लेवल इतना कम क्यों है यार मंडे है यार इट्स मंडे एनर्जी लेवल इतना ढीला रहेगा तो यार हम तो सो ही जाएंगे आप लोगों को देखकर ऐसे कैसे चलेगा भैया बढ़ाओ क्योंकि मुझे लाइक बटन पे भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क ही नहीं करी है अभी तक तो इतने ठंडे पड़ के कैसा काम चलेगा बताओ भाई सेशन को फटाफट से लाइक करिए शो सम एनर्जी शो सम इंथ्र चलो सरप्रिश का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट रखी गई है ठीक है ना सीक्रेट रखी गई है इन अप्रोप्रिएटली दैट इज सरप्रिशियस इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट अप चमक जाना जल जाना फ्रेजाइल का मतलब वीक प्रीक्ल्यूड का मतलब क्या होता है <coughs> किसी चीज को रोकना होने ना देना है ना किसी चीज को इम्पॉसिबल बनाना प्रीक्ल्यूड फिर फ्रेजाइल का मतलब पता है कोवर्ट का मतलब होता है छुपाना सीक्रेट secret. सीक्रेटली तो इसका सिमिलर कोवर्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर ठीक राइट आंसर इज गोवर्ड ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप इट्स डिसिपेट वन शुड नॉट डिसिपेट वॉटर रिसोर्सेज आंसर बताइए वन शुड नॉट डिसिपेट वॉटर रिसोर्सेज क्या लग रहा है आंसर कुंभकरण प्रियंका स्टेटमेंट आदि थी वेरी गुड चलो देखें कौन आंसर दे पाता है डिसिपेट का मतलब क्या होता है बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है डिसिपेट का मतलब वेस्ट करना स्टेटमेंट ही पढ़ लो मतलब नहीं पता है स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को वेस्ट करना ठीक अब क्या लिखा है पहला वर्ड यहाँ पे यूटिलाइज इसका क्या हो गया यूटिलाइज का मतलब किसी चीज को अच्छी तरीके से यूज करना इफेक्टिव वे में यूज करना यूटिलाइज होता है कुछ लोग इसका आंसर यूटिलाइज भी दे सकते हैं ठीक फिर कंजर्व का मतलब बचाना मैनेज का मतलब अच्छी तरीके से यूज करना ऑर्गेनाइज का मतलब भी ठीक तरीके से सिस्टमैटिकली किसी चीज को ऑर्डरली वे में सेट करना तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सटीक एंटोनिम क्या है यूटिलाइज द बेस्ट एंटोनिम हेयर इज यूटिलाइज ठीक है समझ में आया क्लियर है चलिए इज नहीं सॉरी गाइज कंजर्व है और इसका मतलब है समझ में आया हांजी हांजी कंजर्व अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरासिटी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के हमको आंसर दीजिए विरासिटी कमॉन देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर सी वेरासिटी जल्दी से क्या लग रहा है आंसर वेरासिटी का लेट्स सी क्या मतलब होता है वेरासिटी का पता है वेरासिटी का मतलब होता है गाइस एक्यूरेसी सच्चाई ऑनेस्टी है ना सच्चाई ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी कहलाता ऑनेटी ट्रस्ट वर्दनेस का मतलब होता है भरोसा वेरासिटी का सिनोनिम हो गया डिसीट का मतलब क्या है धोखेबाजी और ये आपका एलिमिनेशन से भी हो जाएगा ये तीन वर्ड्स आपके पॉजिटिव हैं एक ही वर्ड नेगेटिव है तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू धोखेबाजी वेरासिटी सच्चाई डिस धोखेबाजी ठीक क्लियर चलो अगला सवाल आपके सामने है लाइएबल इेस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल या फिर गो गेटर वॉट आंसर? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर कम पीपल लाइएबल इेस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल गो गेट जल्दी से आंसर दो सभी लोग फटाफट से बिल्कुल कमऑन ठीक है चलिए बताइए भाई हम्म ओके हम्म आंसर दो भाई जल्दी से बड़ा ही स्लो जवाब चल रहा है भाई ऐसे कैसे चलेगा काम इतनी एनर्जी लेवल डाल लाइबल का मतलब होता क्या है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल बाय द लॉ बेसिकली है ना अगर आप लीगली आंसरेबल हो किसी चीज को लेकर है ना आंसरेबल हो रिस्पॉन्सिबल हो तो यू आर राइव लाइबल इरेस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर वन डेडिकेटेड का मतलब क्या है किसी चीज में डेडिकेटेड हो तो आप उस चीज में बहुत ज्यादा डिवोटेड हो है ना रेस्पॉन्सिबल आपको सिमिलर हो गया गो गेटर का मतलब क्या होता है बहुत ही ज्यादा यू कैन से एक ऐसा पर्सन जो हर चीज को अचीव कर लेता हो दैट पर्सन इज गो गेटर ठीक अचीव कर लेने वाला पर्सन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ठीक अगला वर्ड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्डर एफ ओ डबल डी ई आर क्या लग रहा है यहां पे आंसर फॉर्डर जल्दी से बताइए द वर्ड इज फॉर्डर कमॉन एफ ओ डी डी ई आर फॉर्डर का मतलब क्या है भाई मील कॉर्न ग्रास बॉसल फीड ऑपोजिट बताना है फॉर्डर का फॉर्डर का मतलब होता है वो खाना मतलब एक तरीके से रफ फूड जो जानवरों को खिलाया जाता है फॉर्डर खिलाता है चारा जिसको हिंदी में बोलते हो ना चारा जानवरों को खिलाने वाला फूड चारा फॉर्डर कहलाता है मील जो नॉर्मल खाना होता है ठीक एक टाइम पर कॉर्न का मतलब सबको पता है सीरियल होता है ग्रास का मतलब पता है बॉटल फीड क्या होता है बॉटल फीड वो खाना होता है जो नर्स बेसिकली इंफान को देती है बहुत ही माइल्ड बहुत ही सॉफ्ट फूड होता है जो छोटे बच्चे को इंफान्ट को दिया जाता है समझ में बात आई तो यहाँ पे फॉर्डर का उल्टा बॉटल फीड हो जाएगा ये बहुत ही रफ फूड है और ये बहुत ही सॉफ्ट फूड है सो ऑप्शन नंबर फोर इज आंसर समझ में आया कैसे ये आपका आंसर होगा ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर विच वन फोर बॉटल फीड ठीक चलो अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप जल्दी से क्या कोफोनस ये वर्ड बहुत कॉमन है बहुत पूछा जाएगा क्या कोफोनस देखते हैं समझ में आया है आपको कि नहीं याद है ये वर्ड या नहीं क्या को फोनस अब याद रहेगा ना बॉटल फीड क्या होता है फॉर्डर क्या होता है चलो जल्दी से बताओ स्टेटमेंट्स गाइ स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट्स अब देखो यहां क्या आपका वर्ड क्या है क्या को फोनस का मतलब ऐसी आवाज जो कान में चुभे वो चीज क्या को फोनस होती है हारमोनी अच्छी वॉइस जो एकदम प्रॉपर तालमेल हो उस चीज को हारमोनियस बोला जाता है टेम्ड का मतलब क्या होता है टी एम ई डी टेम्ड बताएगा कोई मुझे टी ए एम ई डी टेम्ड का मतलब क्या है डोमेस्टिक और साइलेंट का मतलब ये सब बहुत ही इजी वर्ड्स हैं सब आपको पता होंगे ठीक टेम क्या चीज होती है पालतू कोई चीज जो आपकी पालतू है वो टेम है ठीक बाकी तो आपको पता ही है घरेलू वगैरह सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ठीक अगला वर्ड देखो फैकलेस फेक फेकलेस स्पटेड फैचुअस स्ट्रॉन्ग फॉरिंग वॉट्स जल्दी से बताइए जल्दी जल्दी से कम ऑन एंड गाइज हिट द लाइक वंस जल्दी से जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है सेशन को लाइक करके आइए फटाफट से ठीक है चलो फिर मुझे आंसर बताइए फेकलेस का ठीक है मेधा ओके सपना वेरी गुड मानसिंह अश्वनी वेरी गुड ओके नाइस स्टेटमेंट अदिति टॉमी कुकर सॉन्ग इज हमको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे किसी कोई दिन मतलब किसी ना किसी डेफिनेटली कोई ना कोई तो मेरे सेशन पे डिफेमेशन के लिए मुझे कोई मतलब अक्यूज ना कर दे कि ये अपने सेशन में सबको डिफेम करती हैं है ना तो ऐसा देख लेना भाई ना हो हमारे साथ चलो फेकलेस का मतलब होता क्या है फेकलेस का मतलब है बहुत कमजोर बहुत कमजोर ठीक वीक इन एफेक्टिव स्पॉटेड फैक्चुअस स्ट्रॉन्ग फॉनिंग क्या लग रहा है स्ट्रॉन्ग हो गया आंसर स्ट्रॉन्ग ही तो ऑपोजिट होता है बाकी के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है बड़े ही सिंपल से वर्ड है बताइए सबको पता होगा क्या मतलब होता है स्पॉटेड का सबको पता है फैशुअस का मतलब क्या होता है जो इंसान सिली है स्टूपेड है जिसके पास बुद्धि नहीं है वो इंसान पैशुअस है ठीक है ना और फोनिंग का मतलब होता है भौहें सिकोड़ना मतलब गुस्से में अगर कोई इंसान अपनी भौहें सिकोड़ रहा है तो वो फोनिंग कहलाती है और फोनिंग का मतलब चापलूसी करना भी होता है जो इंसान चापलूसी करता है वो भी फोनिंग कहलाता है उस चीज को भी फोनिंग बोलते हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री स्ट्रॉन्ग राइट अगला सवाल देखे बिगाइल

Let's see. हमें भी एक्चुअली लग ही रहा है चलो का मतलब होता क्या है Deception. है ना धोखेबाजी बेगाइल कहलाती है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा चीट इसका synonym, डिसीव इसका चार का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना और ऑनेस्ट का मतलब वफादार तो इसका राइट right आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर टू दैट इज ऑनेस्ट ठीक वफादार अगला देखो वर्ड इज़ रैटल आर ए डबलटी एल राटल अबाश डिस्कॉन्सर डिकम्पोज या फिर द आंसर जल्दी से बताइए सभी लोग क्या लग रहा है आंसर जल्दी जल्दी कम ऑन राइट राइट सब आंसर क्यों नहीं दे रहे हो ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे आपके सीजीएल और सीएचएसएल में वही लेवल है ये वो क्या ब्री ठीक है तो एक भी वर्ड छोड़ो मत हर एक वर्ड का मीनिंग ध्यान से कान में डालते रहो वर्ड बोल रहा है राटल राटल का आपको एंटेनिप बता रहा है राटल का मतलब किसी को बिल्कुल नर्वस कर देना इरिटेट कर देना नर्वस कर देना चिंतित कर देना कंफर्ट का मतलब किसी को एकदम रिलैक्स कर देना आराम कर देना अबैश का मतलब किसी को अशेम शर्मनाक मतलब शर्मिंदा कर देना ashamed disconcert discompose ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स लग रहे हैं disconcert का मतलब क्या होता है किसी को अनसेटल्ड डिस्टर्ब करना ठीक discompose का मतलब क्या होता है discompose का मतलब भी होता है किसी को क्या करना अगेन डिस्टर्ब करना इसका मतलब भी सेम कंफर्ट इज द राइट आंसर बाकी ऊपर के तीनों वर्ड्स नेगेटिव हैं ठीक चलो नेक्स्ट वर्ड इज hush money एक idiom है गाइस hush money जरा बताइए कम हर्ष मनी हर्ष मनी क्या होता है स्टेटमेंट भी चाहिए मुझे इसके साथ साथ इस idiom का हर्ष मनी आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में स्पेशली टीवी सीरियल्स अगर आपने कभी ना कभी देखे हैं तो जो विलन होता है वो किसी को मुंह बंद रखने के लिए सीक्रेट छुपा के रखने के लिए किसी को पैसे देता है कि ये लो पैसे और अपना मुंह बंद कर लो ये लो एक करोड़ रुपए और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना देखा है ना तो ये पैसे जो किसी को कोई चीज सीक्रेट रखने के लिए दिए जाते हैं उसको हशमनी बोला जाता है ठीक जो अमाउंट जो पैसे सीक्रेट रखने के लिए दिए जाए वो कहलाता है हशमनी ठीक है तो जरा इसका स्टेटमेंट बना के बताइए क्या है हशमनी का स्टेटमेंट मनी गिवन टू समवन टू कीप अ सीक्रेट ठीक है क्लियर चलो अगला यहां पर है इनफ टू कॉबल डॉग्स विद इस इडियम का जरा हमको मतलब बताइए इनफ टू कॉबल डॉग्स विद कम ऑन पीपल हम्म जल्दी से ओके नाइस स्टेटमेंट विशाल ओम प्रकाश वेरी गुड स्टेटमेंट्स गाइस स्टेटमेंट आपका बहुत हेल्प करेगा ईडीएम को याद रखने में तो स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल मत भूलना अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है इनफ टू कॉबल डॉग्स विद क्या चीज होती है किसी कोई चीज इतनी है कि मतलब हमेशा आप कुत्तों को भी खिला सको तो मतलब कोई चीज आपके पास सरप्लस में है लार्ज अमाउंट में है सरप्लस में है एक्स्ट्रा है लार्ज अमाउंट में कोई चीज है तो इनफ टू तो कॉबल डॉग्स विद ठीक ऑप्शन नंबर टू ठीक है चलो अगला सवाल देखिए डू आर डेवन लॉश ये ईडियम्स हर एक ईडियम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है डू आर डेवन लॉश का मतलब बताइए अभी तक 200 लोगों ने भी सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है गाइस सो दिस इज रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग नॉट इवन 200 पीपल हैव मार्क देर अटेंडेंस तो शेयर की तो मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रही हूँ अटेंडेंस को बस मार्क ही कर दीजिए आप मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका लेट्स सी जल्दी से चलो डू आर डेवन लॉश का मतलब क्या होता है डू आ डेवन लॉश एकदम समझ लो आप बिल्कुल करीब हो जीत के लेकिन एंड मोमेंट पे आप गिर गए ठीक ये चल रही है रेस ठीक रेस है दिस इज फिनिश लाइन ये फिनिश लाइन है ये भागते भागते पर्सन यहां तक आया ठीक है ना इसका पैर यहां पर है भागते भागते आया ये पर्सन और यहीं पर ही आके बिथर गया गिर गया भागते भागते आया और यहां पे बिथर गया और ये पर्सन दूसरा पर्सन जीत गया दिस इज कॉल्ड डू अ डेवन लॉश ठीक है ना बहुत ही क्लोज होना जीत के और ना जीत पाना जब आपका पेपर आपका कट ऑफ एक नंबर से डेढ़ नंबर से रह जाता है दिस इज यू डू डू अ डेवन लॉश ठीक चलिए अगला देखिए वन ट्रैक माइंड वॉट्स द आंसर वन ट्रैक माइंड आंसर बताइए क्या लग रहा है हां जी सुरभि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में चीनी कम है ठीक है ना मम्मी ने बोला एंड बाय शुगर तो आप क्या बोलोगे वी स्टिल अभी बहुत सारी शुगर रखी हुई है ठीक मैंने बोला मम्मा हैव इनफ शुगर टू कॉबल डॉग्स विद ठीक चलो अब देखिए आपका वन ट्रैक माइंड किसी एक चीज के डायरेक्शन में आप सोच रहे हो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना यू शुड वन ट्रैक माइंड फॉर योर सिलेक्शन सिर्फ आपका दिमाग आपके सिलेक्शन में होना चाहिए वन ट्रैक माइंड सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना ठीक तो थिंक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग एंड नथिंग एल्स सिर्फ आपकी मंजिल आपका सिलेक्शन दिखे ठीक चलो नेक्स्ट वर्ड इज ईडीएम इज फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ लॉरी ये स्टेटमेंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है ये टू फॉल बैक फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ लॉरी बताइए जरा जल्दी से हम्म hmm? कौन देगा इसका आंसर लेट्स सी कम ऑन ओके हम्म चलो यस आशुतोष आंसर इज राइट किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंस जाना फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ लॉरी है ना कंफ्यूजिंग सिचुएशन में कंफ्यूजिंग सर्कमस्टांस में फंस जाना बी अक्वाय इन डूबियस सर्कमस्टांसेस ठीक चलो नेक्स्ट यहां पे है वुड नॉट टच इट विद अ बार्ज पोल वुड नॉट टच इट विद अ बार्च पोल का मतलब क्या हो रहा है सब लोग जरा मुझे बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर वुड नॉट टच इट विद अ बार्च पोल किसी चीज को टच भी ना करना यानी कि उसमें इन्वॉल्व ही ना होना उसमें इन्वॉल्व ही ना होना ठीक बिल्कुल दूर रहना किसी चीज से इन्वॉल्व ना होना दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज कॉल्ड नॉट इवन टच इट विद अ विदार्ज पोल बोलते हैं ना कि किसी चीज को अगर आप छूना नहीं चाह रहे हो तो आप ऐसा डंडा छुआते हो फॉर एग्जाम्पल ये स्विच बोर्ड है आपको स्विच ऑन करना है बट यू डोंट टू टच इट क्योंकि इसमें करेंट आता है तो आप क्या करोगे आप एक डंडा लेकर आप एक डंडा लेकर स्विच को ऑन करते हो ऐसा कभी ना कभी डेफिनेटली हुआ होगा डंडे से उस चीज को छूते हो बार्च पोल से भी अगर आप किसी चीज को नहीं छू रहे हो दैट मीन्स आप उससे दूर रह रहे हो है ना ठीक यू डोंट वॉन्ट टू बाय समथिंग और बी इन्वॉल्व विद समथिंग ऑप्शन नंबर थ्री किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो उसको टच नहीं करना चाहते हो ठीक चलो नेक्स्ट इज कोल्ड टर्की बताइए कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है लेट्स सी आंसर बताइए जल्दी से कोल्ड टर्की हम्म किसके लिए यूज होता है कोल्ड टर्की सोचिए जब कोई इंसान स्पेशली ड्रग्स से है ना अडिक्टेड हो और फिर एकदम छोड़ दे उसको त्याग दे बहुत ही अडिक्टेड इंसान ड्रग्स या किसी चीज से एकदम उसको अचानक से छोड़ दे इस चीज को बोला जाता है कोल्ड टर्की ठीक समझ में आया ही वॉज अ चेन स्मोकर ही वॉज अ चेन स्मोकर बट वंस ही बट वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन कोल्ड टर्की ही अ चेन स्मोकर बट वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ कोल्ड टर्की यानी कि उसने बिल्कुल छोड़ने का फैसला कर लिया ठीक ऑप्शन नंबर टू द आंसर किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना जिसका आपको लत है ठीक चलो नेक्स्ट है टू गो पियर शेप्ड टू गो पियर शेप्ड बताइए जरा इसका मतलब क्या लग रहा है विंटर इन की नहीं होता है दोस्त ठीक है चलिए बताइए आशुतोष नाइस स्टेटमेंट मतलब सही आंसर था आपका अजय यादव नाइस स्टेटमेंट चलो अगला देखिए ऑल राइट ऑल राइट क्या लग रहा है टू गो पियर shaped बताइए बहुत ही टेरेबल फैशन बहुत ही बेकार फैशन को फॉलो करना है ना कभी कभी होता है ना आप बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी दे फॉलो अ वेरी वियर्ड वेरी टेरेबल फैशन सो यू कैन से रणवीर सिंह यूज कर सकते हो रणवीर सिंह ऑफन गोज पियर शेप्ड रणवीर सिंह ऑफिन गोसियर शेब हमेशा टेरेबल फैशन को फॉलो करता दिखता है ठीक चलो नेक्स्ट क्या है आपको बताना है यहां वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं तो आई एम मेक श्योर कि आपके गलत ना हो ठीक बताइए आंसर सब लोग hmm. कमॉन पीपुल जल्दी इसे आंसर दो सब लोग हम्म ओके चलो, सेप्टिकल, स्केप्टिकल क्या होती है स्केप्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है? दो होती हैं। या तो हो एस के ई एल ये स्पेलिंग्स होती हैं स्केप्टिकल्स की ठीक है ना जिसको ईजिली कन्विंस ना कर पाओ जिसको हमेशा डाउट्स रहे वो इंसान स्केप्टिकल कहलाता है डबल सी नहीं आता ठीक ये स्पेलिंग लिखो या फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से बताइए लाइनाइज आइडोलेट्री इन अनरावलिंग क्या लग रहा है आंसर बताइए बिल्कुल सही है बाकी लोग हमें आंसर बताओ लेट्स सी ऑन जल्दी से बताइए गौज बिल्कुल सही था जो गलत बता रहा है गॉज बिल्कुल सही है बेसिकली चाकू या चिस्सेल टाइप का होता है जो सर्जरी के लिए यूज होता है दैट इज गौज बिल्कुल सही स्पेलिंग थी यहां पर आइडोलेट्री की स्पेलिंग क्या होती है आइडोलेट्री की स्पेलिंग आई डी ओ L A T R Y I D O L A T R Y आइडोलेट्री कहलाता है ऑप्शन नंबर टू, ठीक है आइडोलेट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा आंसर बताना फटाफट से देखें कौन उसका आंसर बता पाता है लेट्स सी कम ऑन पीपल जल्दी से अटेंडेंस भी मार्क कर दो भाई बहुत सारे लोगों ने सेशन को अभी तक आई नहीं किया है सो जस्ट गो मार्क क्योंकि थोड़ी सी देर में हम चलने वाले हैं हमारे द हिंदू एडिटोरियल के ऊपर और वो द हिंदू एडिटोरियल सिर्फ नॉर्मल एडिटोरियल नहीं है उसमें आप करोगे एरर डिटेक्शन भी ठीक है ना एरर डिटेक्शन भी आप करने वाले हो उसके अंदर चलो अब यहां पे ध्यान से देखिए कल्बिनेशन एक वर्ड होता है कल्बिनेशन का मतलब क्या होता है किसी चीज का हाइएस्ट पॉइंट हाइएस्ट क्लिमैक्टिक पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना जो बहुत ला, लंबे समय के बाद अचीव किया गया हो कल सी ओ यू एल एम आई एन ए कलमिनेशन, ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर ठीक चलो अगला सवाल देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताइए यहां पे किसकी स्पेलिंग सही है गलत है डायरेक्शन पढ़कर मुझे आंसर बताओ चलिए Let's see. <laughs> <laughs> जल्दी से आंसर बताइए प्रियंका देखिएगा आपको पुलिस ना ले जाए पुलिस आ ही रही होगी आपके घर में मर्डर के लिए आंसर बताइए सी <laughs> आपसे पूछा है यहाँ पे इन करे वर्ड इंप्यूनिटी की स्पेलिंग क्या होती है इंप्यूनिटी में जी नहीं आता इट्स इट्सूनिटी किसी पनिशमेंट से मुक्ति दे देना फ्री कर देना ठीक पनिशमेंट से छूट दे देना पनिशमेंट से मुक्ति दे देना इंप्यूनिटी कहलाता है ठीक अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन देखें आंसर बताइए फटाफट से कमॉन जल्दी से ऑन आंसर बताओ ऑल राइट हम्म हां जी मेरी तबीयत तो क्या हुआ था एकदम चकाचक है मेरी तबीयत आंसर बताइए भाई इतना ढीले क्यों पड़े हुए हो अभी तक तो सेशन पे मुझे 300 लाइक्स दिखने चाहिए गाइस आर यू गाइस एनर्जेटिक इनफ एनर्जी लेवल क्या है लो है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो लाइक like क्यों नहीं कर रहे हो चलो भाई फिर मुझे आंसर बताइए सेशन को लाइक करके आओ एंड लेट्स टच द मार्क ऑफ 300 लाइक्स प्लस टेल मी द स्पेलिंग कौन सी यहां पर गलत है बताइए भाई कौन सी स्पेलिंग गलत है यहां पे гроटेस्क हिस्ट्रियोनिक्सेशन डिमिनेशन हिस्ट्रियोनिक्स की स्पेलिंग क्या होती है टी के बाद आई नहीं लगता बस हिस ट्रियो टी आर आई ओ ट्रियो एन आई सी एस निक्स हिस ट्रियो निक्स ऑप्शन नंबर टू ठीक अगला सवाल देखो जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सांगवेन डिनोनमेंट इंट्रैक्टिव बिल या फिर कम ऑन जल्दी से ओके okay. आंसर बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या लग रहा है आंसर ओके okay. इनकरेक्टली स्पेल वर्ड सैंग्विन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है डिनोनमेंट की स्पेलिंग क्या होती है गाइज डिनोनमेंट की डी ई एन ओ यू ई डी ई एन ओ यू ई ठीक फिर होता है एम ई एन टी डी ई एन ओ यू एम ई एन टी दिस इज डिनोनमेंट और इसका मतलब क्या होता है किसी सिचुएशन का आउटकम ठीक एकदम क्लियर है कोई चीज की ऐसा ही होगा ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा जैसे कि धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर थ्री की सिचुएशन क्लियर हो रही है इस चीज को डिनाउनमेंट बोला जाता है और स्पेलिंग आपके सामने है ठीक? -E, -E -E होता है ठीक ठीक होता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइए सभी लोग गाइस हम चलने वाले हैं हिंदू एडिटोरियल पे तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए और आंसर बताइए चलो लेट्स सी इंडेग्नेन कॉस्टिक डेलिनेट या फिर मेटामोफोसिस आंसर क्या होगा इतने सुस्त क्यों पड़े हो दोस्त थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ आंसर बताओ देखें जरा कौन देता है यहां पे आंसर लेट्स सी जल्दी से स्पीड बढ़ा लो चलो इनडिग्न की स्पेलिंग बिल्कुल सही आपने बताई है इनडिग्नेंट यहां पर गलत है क्या होती है स्पेलिंग इनडिग्नेंट इंडिजेंट इंडिजेंट होता है बेसिकली आई एन डी आई जी ई एन टी इंडिजेंट मतलब क्या होता है इसका बहुत ही पुअर बहुत ही नीडी इंसान पुअर है नीडी है दैट पर्सन इज इंडिजेंट ऑप्शन नंबर वन द आंसर ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार मैं आपको बता दू अबाउट दिस बुक दिस इज अ स्मार्ट बुक ऑफ वोकैबलरी इंग्लिश की स्मार्ट बुक है सारे के सारे चैप्टर्स लेवल वाइज दिए हैं आपको प्लस हर एक हर एक क्वेश्चन को करने का एवरेज टाइम जिससे आपको पता चले कि इतने सेकेंड्स में ही क्वेश्चन करना है प्लस कितने लोगों ने करेक्ट किया है कितने पर्सन ने स्किप किया है ये भी आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपको एमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएंगी और ये सारी के सारी सब्जेक्ट की, की किताब है सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्लस दोनों मीडियम में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एस एस सी स्मार्ट बुक हार्ड कॉपी है आपको एमेजॉन फ़्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चेक कर लीजिए फिर मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है सब लोग चलो स्पेलिंग पूछ देखिए क्या पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है देख के आंसर देना अभी थ्री हंड्रेड हम मार्क नहीं पहुंचे हैं गाइस थ्री हंड्रेड मार्क अभी हम पहुंचे नहीं हैं लेट्स सी म्यूजिकल एसेंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप क्लिक कर लीजिए थ्री हंड्रेड समथिंग की आई थिंक है है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है चलिए आपसे स्पेलिंग पूछी गई है प्रीपोस्रस की स्पेलिंग गलत है गाइस प्रीपोस्रस की स्पेलिंग क्या होती है प्री टी ई आर ओ यू एस टी ई आर ओ यू प्री पॉशरस प्री ऑप्शन नंबर वन प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है बहुत ही वियर्ड एब्सर्ड रिडिकुलस ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बताइए टू बी ऑपोजिट ऑफ रियलिस्टिक बिल्कुल समझ लीजिए कोई चीज रियलिस्टिक ना हो बहुत ही फूलिश हो वियर्ड हो उस चीज को क्या कहते हैं बहुत ही फूलिश और वियर्ड चीज बताइए जल्दी से इफ समथिंग इज वेरी फूलिश वेरी वियर्ड ठीक सारे वर्ड्स का मीनिंग बता दीजिए ठीक है सारे वर्ड्स का मीनिंग बता देंगे इस वाले क्वेश्चन में कोई बात नहीं जल्दी से आप द हिंदू पे चलना है हम लोगों को द हिंदू एडिटोरियल पे कम ऑन आंसर बताइए भाई हिंदू एडिटोरियल पे भी तो मूव करना है लेट्स सी बिल्कुल सही अभी तो हम बता के लाए फिर पॉस्टिस्ट का मीनिंग और वही तो है ली चीज, चीज है ना तो ऑप्शन नंबर फोर इज कोई शक इसमें ठीक एक आखिरी सवाल कर लीजिए जल्दी से अनलिमिटेड पावर बताइए किसी के पास अनलिमिटेड पावर है बेसिकली भगवान के लिए यूज होता है अनलिमिटेड पावर होती है ना हनुमान जी है ना वो अनलिमिटेड पावर का सोर्स बताइए जल्दी से जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है क्या वर्ड होता है यूज उसके लिए का मतलब होता है अभी भी यार बैठे हो यहां पर इक्कीस लोग जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है तो भाई अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करो इफ यू आर थिंकिंग सेशन आपके लिए यूजफुल है इंपॉर्टेंट है ठीक चलिए ओमनी पॉटेंट प्रेजेंट जो जो हर जगह हो, हो, सब खाता हो, और कौन होता है? बताएगा मुझे कौन यहाँ पे मुझे मीनिंग बताएगा ऑमनी सेंट कौन होता है बताइए जिसको सब पता हो सारी नॉलेज हो है ना नॉलेजेबल पर्सन जिसको सब कुछ पता हो नोज एवरीथिंग, थिंग ऑमनी सेंट सर्वज्ञानी, ठीक चलिए आज का असाइनमेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट गाइस असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको देती हूं हर दिन जिसका आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लेना होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदू एडिटोरियल कंप्लीट करिए फिर जब सेशन खत्म हो जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप तुरंत उसका आंसर डाल दोगे ठीक ये है आपका असाइनमेंट टास्क आज का स्क्रीन लीजिए असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर द डे यहां पे कोई आंसर कॉमेंट सेक्शन में नहीं देगा मुझे मैं बार बार बोलती हूँ कॉमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया करिए आप असाइनमेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होने के बाद ही आंसर करा करिए ठीक टुक द स्क्रीन शॉट हटा रही हूं मैं इसको क्योंकि हमें चलना है आज के एडिटोरियल पैसेज के ऊपर एंड आज का एडिटोरियल पैसेज अगेन रशिया एंड यूक्रेन ही चल रहा है फिलहाल तो ठीक ध्यान से सुन लीजिएगा सारे वर्ड्स कमौन कमॉन जल्दी से आ जाइए ठीक सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे जो आज द हिंदू में आए हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके जितने भी एग्जामिनेशन है बीईटी और डिफेंस एग्जामिनेशन एस एस सी एग्जामिनेशन और बाकी एग्जामिनेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके न्यू वर्ड्स ठीक चलो ऑल राइट सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज क्रिप्टिक और क्रिप्टिक का मतलब होता है इफ समथिंग इज एनिगमैटिक समथिंग इज नॉट नोन टू एवरीबडी समथिंग इज रहस्य जो रहस्यमय चीज होती है वो क्रिप्टिक होती है ठीक स्टिल द इंटेंशन ऑफ रशिया इज इज क्रिप्टिक क्रिप्टिक द द इंटेंशन ऑफ रशिया रशिया टू इनिशिएट वॉर ने क्यों वॉर शुरू करी है ये इनका इंटेंशन अभी भी रहस्यपूर्ण है किसी को उनका इरादा पता नहीं है सो इंटेंशन ऑफ रशिया इज स्टिल क्रिप्टिक ठीक इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो आपको भी सेंटेंस बनाने हैं ये दो तीन वर्ड जितने भी मैं आपको करवा रही हूं ठीक चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है द वर्ड इज विलीफन क्या होता है का मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा किसी चीज की निंदा हो रही है सो मैनी कंट्रीज सो मैनी कंट्रीज आर डूइंग डूंगीफिकेशन ऑफ रशिया सो मैनी कंट्रीज आर डूइंग डूइंगशन ऑफ रशिया को की निंदा कर रही हैं अटैक करने के लिए सो मेनी कंट्रीज आर फिर एक word यहां पर आता का मतलब है अगर कोई इंसान बहुत ही रूड है मतलब उसको किसी से प्यार नहीं है कोई उसको अच्छा नहीं लगता तो वो इंसान बहुत ही स्टर्न होता है रूड है है ना अर्स नहीं हिंदी में प्यार नहीं है उसको किसी से ठीक डार पीपल आर नॉट लाइक बाय एनीवन, किसी को नहीं अच्छे लगते हैं ऐसे लोग ठीक चलो आज का जो पहली चीज है एरर्स आपको इसमें ढूंढनी है एंड फाइंड आज मेनी एरर्स एज यू कैन सब लोग आ जाइए मैदान में देखते हैं किसमें कितना है दम शुरू करिए इसमें गलतियां ढूंढना सब लोग फटाफट से लेट्स सी कमॉन गाइस और कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप इज अ प्लेस जहां पर आपको इस सेशन की सॉल्ड पीडीएफ यानी कि वर्ड्स अलोंग विद मीनिंग्स मिल जाएगी जो आपके रिविजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ठीक चलो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए सब लोग ज्वाइन कर लेना प्लस डेली सेशन के नोटिफिकेशन आपको यहां पे मिल जाते हैं चलिए अभी तक मेरे पास करेक्शन नहीं आया है वेटिंग फॉर दी करेक्शन सूरज सिंग में सपना इस इस राकेश इज आल्सो सिंग बिल्कुल सही है यहां पे वर्सन एक नाउन की नहीं किसकी तरह यूज हुआ है वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्सन यहां पे गाइस वर्ब की तरह यूज हुआ है अब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सिंगलर

किसी चीज को लेकर वोट ना देना तो इंडिया गुड था, अच्छा था कि उसने के अगेंस्ट या फिर मतलब वोट उसने किया ही नहीं है ठीक है ना डिसीजन अच्छा था लेकिन उसको अपना डिसीजन बदलना पड़ सकता है अगर सिचुएशन और खराब हुई तो ठीक क्लियर चलिए अब मुझे बताइए इसमें क्या गलती है टेक योर टाइम जल्दी से आंसर दीजिए एयरफोर्स आप सारे डिफेंस वाले ये क्लास देख सकते हो हर डिफेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है वो डिफेंस हो या फिर वो एस हो दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी बताइए आंसर चलिए देखते हैं लेट्स सी गिव्स द राइट आंसर हियर थ्वाटेड mm -hmm. होना चाहिए अच्छा चलो सोच लीजिए थ्वाटेड होना चाहिए एग्जैक्टली तो राइट आंसर इज वेरी गुड थ्वाटेड थ्वाटेड एट द Thwarted at the UN Security Council in the resolution to condemn Russian aggression on Ukraine. ठीक यूएस और यूरोपियन एलाइज जो हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया को मतलब एक तरीके से रशिया रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में उसको मतलब उसको क्रिटिसाइज तो किया है लेकिन इस चीज का स्टिल फिल्योर हुआ है यूएस एंड यूरोपियन एलाइज नाउ प्लान टू एंश्योर अन्श्योर ऑफ मॉस्कोज एक्शन अब ये सेंश्योर का मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना मॉस्को का जो एक्शन है यूएन जनरल असेंबली के ऊपर अब इसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं ठीक, 80 countries. और यूरोप को, यू, US and European allies को इनके पास ऑलरेडी अस्सी से ज्यादा कंट्रीज का सपोर्ट है ये चीज यहाँ पे बोली गई है तो अस्सी से ज्यादा कोड आपको यूज करना है ए एन एस पास जिससे कि आपको थ्री नाइन नाइन का नाम मिलकर कितने का मिल जाएगा आपको ये टेक्स्ट बुक पास पता है कितने का मिलेगा सिर्फ थ्री सिक्सटी का जस्ट इन पास मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड ए एन एस पास यूज करोगे This is my code और लेने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूं और तो और इसके साथ साथ जो भी टेस्ट बुक पास लेगा उसके पास मौका है आज टेस्ट बुक की तरफ से महिंद्रा थार जीतने का तो ये सिर्फ आज के लिए है तो मेक श्योर sure कि आप इस चीज को ले पाए मैं आप लोग को तरीका बताती हूं किस तरीके से आप लोग इसका मतलब ले सकते हो और किस तरीके से कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो तो ध्यान से जरा देखिएगा एक सेकेंड लेट मी शो यू ऑल बिल्कुल ध्यान से पहले तो जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ठीक है ना सेशन को लाइक कर दीजिए एंड मैं लिंक आपके पास दे रही हूँ टेलीग्राम का टेलीग्राम का लिंक भी आपका कमेंट सेक्शन में है चेक कर लीजिएगा बाकी ध्यान से देखिएगा मैं आपको सारे स्टेप्स बता देती हूँ कि हाउ कैन यू गो फॉर द टेक्सट बुक पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है किस तरीके से एक्सेस करना है उसके लिए ध्यान से देखिएगा ठीक ये आपकी वीडियो चल रही है ठीक मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वीडियो अब इस वीडियो के नीचे आप आओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है गाइज वही लिंक है टेक्स्ट बुक पास का इस पे क्लिक करिए पहले लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच जाओगे ठीक इस पेज पे आप पहुंच जाओगे ये पेज है टेक्सट बुक पास का चार सौ अस्सी एग्जाम्स अप होते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर जिसमें पैंतीस हजार मॉक टेस्ट है अब ऐसा कुछ लोग को लगता है कि हर एक एग्जाम के लिए अलग टेक्स्ट बुक पास लेना है जो बिल्कुल गलत है चार सौ अस्सी मतलब कि सारे मतलब पूरा पूरा पेपर आपका इसके अंदर है पैंतीस हजार मॉक टेस्ट दस हजार प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ टेक्स्ट बुक पास के अंदर है ठीक मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर टू नाइन नाइन अट्ठारह महीने सिर्फ आज के लिए थ्री नाइन नाइन और लाइफ टाइम फाइव नाइन नाइन राइट हैंड साइड में अप्लाई कूपन दिखा है इस पे क्लिक करके आपको कूपन लगाना है यहाँ पे क्या लगा दोगे लाइफ टाइम वन मंथ का लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप वन मंथ में यूटिलाइज नहीं कर सकते तो नीचे आइए आपको जो लेना है उसको सिलेक्ट करिए एंड पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे आपको फोन नंबर डालना है अपना ठीक आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो प्रोसीड कर सकते हो दैट्स हाउ यू कैन गो फॉर योर टेस्ट बुक पास और टेक्स्ट बुक पास लेकर सिर्फ आपको रखना नहीं है टेक्स्ट बुक पास लेकर आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है और मेरे पास शेयर करना है स्क्रीन शॉट ठीक कूपन कोड फिर से देख लीजिए ए एन एस पास यूज करने से आपको टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपके पास मौका है महिंद्रा थार जीतने का सिर्फ आज लास्ट डेट ठीक सो गाइस चलिए मिलेंगे आपसे तीन बजे दोपहर में तीन बजे दूसरी क्लास होती है और रात में दस बजे मेरी तीसरी क्लास होती है सो गाइस टेक केयर सी यू